सो हेलो गाइस, ये सॉलेंट नोवेल का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में शावु ने एंग्री बुद्धा टैंग लोटस को लॉन्च कर दिया था। एंग्री बुद्धा टैंग लोटस ने बहुत ही साधारण तरीके से उड़ान भरी थी, इसलिए जब बिबिदुंग चिल्लाई तो आसमान में अपना फॉर्मेशन बदल रहे एंजल हॉल के 70 से 80 सॉल सेंट उसकी बातों को समझ नहीं पाए और उन्होंने इस और कोई मूवमेंट भी नहीं दिखाई। एंग्री बुद्धा टैंग लोटस का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही उसमें से कोई स्प्लिट पावर प्रोड्यूस हो रहा था। एंग्री बुद्धा टैंग लोटस से जो रेड लाइट इमिट हो रहा था वो ज्यादा गहरा भी नहीं था, ये सिर्फ एक छोटे लोटस की तरह लग रहा था। इस एंग्री बुद्धा टैंग लोटस में ऐसा कुछ नहीं था जो एंजल आर्मी के पावरफुल सॉल मास्टर्स का ध्यान खींच सके। अब इसी समय हुलीना जियालिंग पास की दीवारों से कूद पड़ती है और एंग्री बुद्धा टैंग लोटस का पीछा करने लगती है। भले ही हुलीना घायल थी पर वो इतनी पावरफुल जरूर थी कि वो एंग्री बुद्धा टैंग लोटस की स्पीड को बीट कर सके। लेकिन तभी उसी समय हुलीना को कोई चीज जकड़ लेती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो जियालिंग पास की दीवारों के ऊपर खींच ली जाती है। हुलीना को जिस चीज ने जकड़ा हुआ था वो तैंगसेंग के सेकंड सॉल स्किल घोस्टली वाइन का पैरासाइट इफेक्ट था। अब इसी समय अचानक तैंगसेंग पर अटैक कर रही बिबिदुंग रुक जाती है, क्योंकि जैसे ही बिबिदुंग देखती है कि तैंगसेंग ने बिना किसी हार्मफुल अटैक को लॉन्च किए हुलीना को दीवारों के ऊपर खींच लिया है तो वो रुक जाती है और चैन की सांस लेती है। भले ही बिबिदुंग ने आदेश दिया था कि कोई जाकर उस एंग्री बुद्धा टैंग लोटस को रोके, पर वो ये नहीं चाहती थी कि वो पर्सन हुलीना हो। अब इसी वक्त लाल रंग से जगमगाता हुआ एंग्री बुद्धा टैंग लोटस एंजल आर्मी के सॉल सेंट के ऊपर पहुंच जाता है और फिर अचानक नीचे की ओर गिरने लगता है। इसके बाद इस छोटी सी चीज को इतना नजदीक आता देख कर एंजल आर्मी के सॉल सेंट सतर्क हो जाते हैं। भले ही उन्होंने एंग्री बुद्धा टैंग लोटस को कभी नहीं देखा था, पर अब बिबिदुंग की वार्निंग को याद करते हुए वे समझ गए थे कि ये छोटी सी चीज जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ऐसा सोचकर एंजल आर्मी का एक कंट्रोल टाइप सॉल सेंट आगे आ जाता है और फिर एंग्री बुद्धा टैंग लोटस को अपने एंजल विंग से कवर करने लगता है। इस कंट्रोल टाइप सॉल सेंट को ऐसा लग रहा था कि ये एंग्री बुद्धा टैंग लोटस किसी चीज से टकराने के बाद ही अपनी पावर दिखाएगी, इसलिए अगर वो इस छोटी सी चीज को अपनी जेंटल फोर्स पावर की मदद से धक्का मारकर जियालिंग पास से दूर धकेल दे तो वे इस मुसीबत से आसानी से बच निकलेंगे। ऐसा सोचकर एंजल आर्मी का वो कंट्रोल टाइप सॉल सेंट एंग्री बुद्धा टैंग लोटस को कवर करने की कोशिश करता है, पर उस बेचारे को ये बात कहाँ पता थी कि एंग्री बुद्धा टैंग लोटस टैंग्स क्लैन का सबसे विनाशकारी हथियार है। इसके बाद जैसे ही वो सॉल सेंट एंग्री बुद्धा टैंग लोटस के नजदीक पहुंचता है वैसे ही एक धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है और बहुत सारे चीजों की टूटने की आवाज चारों ओर गूंजने लगता है। ये देखकर तैंगसेंग की आंखें खुशी से चमक उठती है। अब अपनी आंखों के सामने ऐसा पावरफुल धमाका देखकर बिबिदुंग भी दंग रह जाती है। ऐसा पावरफुल प्रेजेंस देखकर उसका दम घुटने लगता है और उसकी फाइटिंग स्पीड भी स्लो हो जाती है। अब अगले ही पल जो कंट्रोल टाइप सॉल सेंट एंग्री बुद्धा टैंग लोटस को दूर फेंक देना चाहता था उसकी बॉडी फैली और फट गई। बस खून के छींटे ही चारों तरफ फैलते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद अचानक डिंग की आवाज आती है और एंग्री बुद्धा टैंग लोटस के मैकेनिकल पार्ट्स फूट पड़ते हैं और फिर तुरंत एक सुनहरे लाल रंग का बवंडर क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर एंजल आर्मी के 76 फ्लाइंग टाइप सॉल सेंट गोते लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन 76 सॉल्सेंट्स ने अपने मार्शल सोल अवतार को पहले ही रिलीज कर दिया था, पर वे सभी इस बवंडर में मुर्दा लाश की तरह तैर रहे थे। उनकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रहा था, बस उनका पूरा फॉर्मेशन खून की छींटों से भर गया था। एंग्री बुद्धा टैंग लोटस ने उन 76 फ्लाइंग टाइप सॉल्सेंट को एक ही झटके में निकल लिया था। ये दृश्य देखकर टैंग्स आर्मी स्तब्ध हो गई थी। जमीनी लड़ाई लड़ रहे एंजल आर्मी के सॉल मास्टर्स और सेक्रेट ड्रैगन क्लैन के सॉल मास्टर्स रुक गए थे। बिबिदुंग और हुलीना भी ये नजारा देखकर दंग रह गए थे। यहाँ तक कि एंग्री बुद्धा टैंग लोटस को लॉन्च करने वाली शावु भी ऐसे भयानक दृश्य को स्तब्ध होकर देखते जा रही थी। पूरे बैटलफील्ड में खड़े हर एक पर्सन ने इस भयावह दृश्य को देखा था। यहाँ तक कि खुद तैंगसेंग ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि एंग्री बुद्धा टैंग लोटस वास्तव में इतना डरावना दृश्य दिखाएगा। तैंगसेंग ने यह सोचा था कि एंग्री बुद्धा टैंग लोटस उन 76 सॉल सेंट्स को धीमा कर देगा और ज्यादा से ज्यादा उनके मार्शल सोल अवतार को तोड़ देगा।
उसके बाद टैंक्स आर्मी के सोल्जर्स गॉडल्यूज क्रोसबो के सेकंड वॉली अटैक से उन 76 फ्लाइंग टैप सोल्जर्स को घायल कर देंगे। पर एंग्री बुद्धा टैंक लोटस ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाया, जिस वजह से एंजल आर्मी के 76 फ्लाइंग टैप सोल्जर्स मारे गए। अब मौत का ऐसा नजारा देखकर मार्शल सोल एम्पायर का मोराल गिर गया था। ये भयानक नजारा देखकर विविधों के मुंह से बस एक ही सवाल निकला कि आखिर वो चीज क्या थी। ये सुनकर टैंक सैंग एक गहरी सांस लेता है और फिर विविधों को जवाब देते हुए कहता है कि ये टैंक सैंग का हिडन वेपन एंग्री बुद्धा टैंक लोटस है। इतना कहते ही टैंक सैंग फिर से विविधों पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ टैंक्स आर्मी भी अपने सेकंड वॉली अटैक को सेकंड ड्रैगन आर्मी और एंजल आर्मी के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। अब उन 76 सोल्जर्स को आसमान से गिरता देखकर एम्परर शुबेंग चिल्लाते हुए कहते हैं, लॉन्ग लिव किंग लानहाओ। अपने एम्परर शुबेंग को टैंक सैंग के लिए चेयरअप करता देखकर तियानदा आर्मी का मोराल और भी ज्यादा हाई हो जाता है और वे सभी एक ही स्वर में नारा लगाते हुए कहते हैं, लॉन्ग लिव किंग लानहाओ। इसके बाद तियानदा एम्पायर के सोल्जर्स किंग लानहाओ का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और तेजी से ज्यालिंग पास पर अटैक कर देते हैं। सिटी वॉल के ऊपर बाकी सेलेक्टेबल्स एनिमी टीम के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मार्शल जी लॉन्ग ने पहले ही तियानदा आर्मी की एक टुकड़ी को तीन दिशाओं से अटैक करने का आदेश दे दिया होता है। ज्यालिंग पास के गेट पर हो रही लड़ाई में टैंक्स आर्मी ने एंजल आर्मी के कम सॉल पावर वाले सॉल मास्टर्स को गॉडलीजू क्रॉसबो के बोल्ट से खत्म कर दिया था। आमने सामने की लड़ाई में तियानदा एम्पायर के सोल्जर्स और सॉल मास्टर्स ने एंजल आर्मी और सेकेंड ड्रैगन आर्मी के सॉल मास्टर्स को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद जब एनिमी टीम ने अपना फॉर्मेशन बनाकर तियानदा आर्मी के आर्चर टीम की ओर बढ़ने की कोशिश की तो टैंक्स आर्मी ने गॉडलीज क्रॉसबो की आखिरी अटैक को उन पर ही लॉन्च कर दिया। इस वक्त तक टैंक्स आर्मी के फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की फ्लाइट ड्यूरेशन खत्म होने के कगार पर थी। टैंक्स आर्मी ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वे बिना वक्त गवाए वापस लौट गए। गॉडलीज क्रॉसबो के तीन वॉली अटैक में मार्शल सोल एम्पायर के लगभग 20,000 सोल्जर्स मारे गए थे और बहुत से सोल्जर्स घायल भी हो गए थे। उन 20,000 की संख्या में एंजल आर्मी और सेकेंड ड्रैगन आर्मी के बहुत से सॉल मास्टर्स भी मारे गए थे। टैंक्स आर्मी के इस अटैक ने तियानदा आर्मी को अंदर घुसने के लिए काफी बड़ा रास्ता तैयार कर दिया था। अब रास्ता मिलते ही तियानदा एम्पायर के लाखों सोल्जर्स ज्यालिंग पास पे चढ़ाई कर देते हैं। तियानदा एम्पायर के एम्परर शुबेंग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनकी आर्मी का एक चौथाई हिस्सा भी ज्यालिंग पास के अंदर घुस गया तो ये लड़ाई उसी वक्त खत्म हो जाएगी। बस तब तक मार्शल सोल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स उसकी सेना को नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरी तरफ सिटी वॉल के ऊपर विविधों भी इस स्थिति से नहीं निपट पा रही थी और टैंकसैंग के कंटिन्यूस अटैक्स को ब्लॉक करते करते उसकी जीत की आशा भी खत्म होते जा रही थी। वो चाहकर भी अपनी आर्मी को वापस लौटने का आदेश नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर ज्यालिंग पास पे तियानदा आर्मी ने कब्जा कर लिया तो उनके पास मार्शल सोल एम्पायर की ओर बढ़ने का एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा। और अगर आगे जाकर तियानदा एम्पायर ने ज़ियांगलो एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया तो वे साथ मिलकर उनके बाकी किलों पर भी कब्जा कर लेंगे। इन दो विशाल एम्पायर के सोल्जर्स अगर फिर से एकजुट हो गए तो मार्शल सोल एम्पायर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भले ही कोई सॉल मास्टर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अकेले 1,000,000 की सेना से मुकाबला नहीं कर सकता है। अब मार्शल सोल एम्पायर के सॉल मास्टर्स हताश होते जा रहे थे, क्योंकि तियानदा आर्मी उन्हें पीछे धकेलते जा रही थी और अब मार्शल सोल एम्पायर की एंजल आर्मी और सेक्रेट ड्रैगन आर्मी तियानदा एम्पायर के लाखों सोल्जर्स को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक ज्यालिंग पास से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हाउलिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये हाउलिंग की आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी और इस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ये हाउलिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि तियानदा आर्मी का मोमेंटम स्पीड भी कम होता जा रहा था। टैंकसैन अपने ट्राइडेंट की मदद से विविधोंग पर लगातार अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से विविधोंग कमजोर पड़ती जा रही थी। पर जैसे ही टैंकसैंग ने इस हाउलिंग की आवाज़ को सुना तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया। टैंकसैंग की मेंटल पावर पहले ही एक डेमीगॉड के लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिस वजह से वो आने वाले इस खतरे को तुरंत ही भाप किया था। यह हाउलिंग की आवाज़ सिर्फ 6 लोगों द्वारा निकाली जा रही थी
और वे अभी भी ज्यालिंग पास से 5 किलोमीटर की दूरी पर थे और वे बहुत ही तेजी से ज्यालिंग पास की ओर बढ़ते जा रहे थे। इसमें ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वे 6 लोग अकेले नहीं थे, उनके पीछे लगभग 5000 सॉल मास्टर्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तैंग सैंग को सबसे ज्यादा चिंता इस बात से हो रही थी कि उन 6 लोगों की हाउलिंग की आवाज से तैंग सैंग की मेंटल पावर डिस्टर्ब हो रही थी। तैंग सैंग को इस लेवल का डिस्टर्बेंस तब झेलना पड़ा था जब तैंग सैंग पहली बार बिबिदोंग से भिड़ा था। ये हाउलिंग की आवाज मार्शल सोल एम्पायर की ओर से आ रही थी, यानी कि वे 6 ग्रैंड सोलन मास्टर्स सीधा मार्शल सोल एम्पायर की ओर से आ रहे थे। ये सब सोचते ही अचानक ही एक वर्ड तैंग सैंग के दिमाग में घूमने लगता है और फिर तुरंत तैंग सैंग उस डायरेक्शन की ओर देखते हुए कहता है, प्रीस्ट। मार्शल सोल एम्पायर के एल्डर हॉल से 6 प्रीस्ट आ रहे हैं। तैंग सैंग कितना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये नोवेल वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए आराम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।